प्रोग्राम रखा, क्या प्रोग्राम था और क्या सोच के प्रोग्राम रखा गया था? आज का जो प्रोग्राम था वो किन्नर्स के लिए था, किन्नर्स गुरुओं के लिए था और बेसिकली ब्राइन लड़कियों के लिए था, क्योंकि होली हम लोग मनाते हैं सब लोग अपने परिवारों के साथ, दोस्तों के साथ, खूब धूम धड़ाका करते हैं, लेकिन जो ऐसे लोग हैं जिनको समाज एक तरफ कर देता है, हम लोगों ने उनके साथ होली मनाने का सोचा, इसीलिए आज हमने होली मनाई ब्लाइंड लड़कियों के साथ और किन्नर्स के गुरुओं के साथ। कहाँ कहाँ से बच्चे इस होली में समाने पहुँचे, कहाँ कहाँ से लोग आए? हमारे पास रोहिणी से भी बच्चे आए हैं और भी दो तीन जगह से आए हैं, उत्तम नगर से भी आए हैं और एक और जगह से आए हैं जिस जगह का मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन तीन जगहों से हमारे पास बच्चे आए हैं। हमारे पास वो ब्लाइंड लड़कियाँ हैं कि जो कि अपने घरों को छोड़ के यहाँ के आश्रम में रहती हैं और यहाँ पर रह करके अपनी पढ़ाई करती हैं। कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं जिनका बहुत ज़्यादा शोषण हुआ है और हमने उनको एक आश्रम में रखा हुआ है और उन सब लड़कियों के साथ आज हमने होली मनाई है। अब बात करें होली खेलना, हर दुनिया में होली खेलती है, आपने कुछ अलग तरीके से होली को मनाया है, तो क्या कहना है कैसे, मतलब लोगों को भी क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? अलग तरीके से होली मनाने का मकसद भी ये था और देखना भी ये चाहते थे, क्योंकि पहले भी कई बार इस सोच के साथ हम चले कि हम समाज में कुछ अच्छा दें, एग्जांपल दें, लेकिन लोग साथ नहीं दे रहे थे। इस बार भी हम लोगों ने एक बार ट्राई किया कि लास्ट बार ट्राई करते हैं कि अच्छे काम के लिए लोगों का सहयोग मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे साथ आए, जुड़े, जिन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया। सबसे बड़ा सहयोग दिया कि दूर दूर से लोग यहाँ पे शामिल हुए, यहाँ पे बॉम्बे से भी लोग आए हुए हैं, गुवाहाटी से भी लोग आए हुए हैं, कलकत्ता से भी आए हुए हैं, तो दूर दूर से आज लोग यहाँ पे शामिल हुए सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको भी ब्लाइंड लड़कियों के साथ होली खेलनी थी। तो अभी परसों होली, तो क्या कहना चाहेंगे लोगों? लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि सब लोग होली अपने परिवार के साथ खेलें, दोस्तों के साथ खेलें, ज़रूर खेलें, लेकिन हमारे समाज में जो कुछ पिछड़े वर्ग रह गए हैं उनको भी अपने साथ में, जैसे स्लम के बच्चे हैं या जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उन बच्चों के साथ भी होली ज़रूर मनाएं। होली मिलन समारोह को लेकर मेरा बहुत टाइम से ये ख्वाब था कि मैं किन्नर समाज के साथ होली तो नहीं, मतलब उनके साथ कुछ करना चाहते थे हम लोग, मतलब उनका सम्मान करना चाहते थे और पिछले 3-4 सालों से हम लोग ये आपस में बात करते थे कि हम इनके लिए कुछ करें। और नीलू मेरी सिस्टर जो हैं ये जुड़ी हुई हैं ब्लाइंड बच्चों के साथ, तो इसने बोला कि हम किन्नर समाज और ब्लाइंड बच्चों को लेकर इनका कोई ऐसा प्रोग्राम करते हैं जो उनको खुशी दे सके। उसके लिए हमने फिर ये सोचा कि होली आ रही है, बच्चे देख नहीं सकते और वो एहसास ही कर सकते हैं, इसलिए हमने रंगों को छोड़कर फूलों के साथ होली खेलना ज़रूरी समझा कि वो कम से कम खुशबू का एहसास तो कर ही सकते हैं। तो उनके साथ होली खेल के जैसे बॉम्बे से मंडलेश्वर जी आए हैं, उनके आशीर्वाद सबको मिला और सब लोग इतना खुश होकर उनके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, फूलों की होली खेल रहे हैं और वो खुद इतने खुश थे कि हमें भी, हमारे समाज को भी आप लोग जिस तरह से अपने साथ जोड़ रहे हैं हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो उनके शब्दों में हमारे लिए तारीफ हुई, हमें बहुत अच्छी लगी। आगे भी हम जाके ये सब करना चाहेंगे अगर सब लोगों का सहयोग इसी तरह से मिलता रहा। हमें योगदान भी दिया है धर्मेंद्र जी ने, अमित जी ने और रोहित जी ने, जो उन्होंने हमारा बहुत सहयोग दिया, बहुत अच्छे से हमारे साथ काम भी किया। धीरज जी ने सब दिन रात पूरी टीम ने मिलकर के काम किया है, हम तीनों संस्थाओं की तीनों टीमों ने मिलकर के बहुत अच्छे से काम किया और सिर्फ इस प्रोग्राम की तैयारी हमारी 10 दिन के अंदर की गई है। हम लोगों ने 10 दिन में ही प्लान किया, आइडिया आया जल्दी के, आइडिया आया इस काम को कर लेना चाहिए, तो 10 दिन के अंदर अंदर हम लोगों ने इस प्रोग्राम की तैयारी की है और हमारा साथ दिया हमारे यूट्यूबर्स ने भी जो कि यहाँ पर आए और उन लोगों को प्रोत्साहित किया। एक हमारे पास विकलांग लड़का है कि जो कि संजू सहरावत जी कह के गए हैं कि उसके जो भी इलाज का खर्चा आएगा वो उठाएंगे, और रोहित जी ने कहा है कि वो सभी ब्लाइंड लड़कियों का फ्री में उनका हेल्थ इंश्योरेंस करेंगे, बिना किसी प्रीमियम को लिए सभी लड़कियों का इंश्योरेंस किया जाएगा फ्री में। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।